कोरोना संक्रमण के बीच इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा समय से करवाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर बोर्ड ने अब नई गाइडलाइन जारी की है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तरफ से सभी DEO को निर्देश भी दिए गए हैं। बोर्ड ने उनको निर्देश दिया है कि परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह निर्णय लिया है कि इस बार परीक्षा में एक बेंच पर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए अधिकतम 2 विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति होगी। इसके साथ ही परीक्षा में प्रवेश करने से पहले परीक्षार्थियों और कर्मियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा परीक्षा के दौरान प्रत्येक पाली में सभी कमरों को सैनिटाइजर करना जरूरी होगा। इसके अलावा वैसे परीक्षार्थी जो मास्क लगाकर केंद्र नहीं पहुंचेंगे, उनके लिए परीक्षार्थियों की कुल संख्या का 5% मास्क परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया गया है। जिस केंद्र पर परीक्षा हॉल में जगह नहीं होगी, वहां परीक्षार्थियों को बरामदे पर बिठाना होगा और वहां भी जगह नहीं मिलने पर पंडाल और टेंट लगाकर परीक्षा लेनी होगी। बोर्ड ने सभी DO को सख्त निर्देश दिया है कि हर हाल में केंद्रों पर शारीरिक दूरी का पालन और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जिन्हें सर्दी खांसी की समस्या होगी, वह अपने साथ रुमाल लेकर जरूर आएंगे। साथ ही परीक्षा शुरू होने से पहले सभी परीक्षार्थियों का हाथ धुलवाया जाएगा। किसी भी परीक्षार्थी का तापमान सामान्य तापमान से अधिक रहने पर उनके बैठने की अलग से व्यवस्था होगी। साथ ही साथ यह भी ख्याल रखा जाएगा कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी तरह का अनावश्यक भीड़ न रहे। सभी परीक्षार्थियों को पंक्तिबद्ध तरीके से प्रवेश दिया जाएगा। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।